हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो कुछ खाना बनाया जाए। तो मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और एक उम्मीद एक कोशिश जो डेली ब्लॉगिंग का प्रॉमिस किए थे आप सबसे फिर से स्टार्ट की हूँ। थोड़ा सा शूट करना और आने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है, इस वजह से भी काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई नहीं, एक बार अगर रूटीन में चीज़ें आ जाएंगी तो बेहतर होंगी। कैमरे को थोड़ा सा मैं सेट कर रही थी लेकिन जैसे चाह रही थी वैसे नहीं हो पाया। अच्छा है फिर भी। तो मैं आज बना रही हूँ खाने में, बहुत मन तो नहीं था लेकिन बहुत दिन हो गया था। अगर आप लोग के साइड में भी बनता हो, सिर्फ प्याज और आलू जो भुजिया बनती है सब्जी वो, और उसके साथ जो पानी वाली रोटी होती है, पानी वाली रोटी मतलब पानी की रोटी नहीं, जो पानी लगा के रोटी हाथ से बनाई जाती है वो वाली। तो मन कर रहा था, मुझे लगा बना लेते हैं आज। वही है, बताइए आप लोग कैसे हैं, आप सबके साइड क्या चल रहा है इस समय। अगर गांव से देख रहे होंगे तो लगभग गेहूँ की कटाई मड़ाई और सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपके साइड में कौन सी फसलें इस समय अभी खेत में मौजूद हैं। ब्लॉग शूट करना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, टास्क है, बड़ा टास्क है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप कोशिश करते हैं तो ज़रूर कामयाब होते हैं। मेरी कोशिश चल रही है और कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी आप सभी के सहयोग के साथ साथ। ये रोज़ रोज़ क्या ही बनाया खाया जाए समझ में नहीं आता है। अच्छा भी है नहीं भी अच्छा है जैसा भी है।
फूल कांटों में पलकर अगर जो खिले तो बहारों की कोई जरूरत नहीं। आदमी जो दर्द ले करके चलता रहे तो सहारों की कोई जरूरत नहीं। फूल कांटों में पलकर अगर जो खिले तो बहारों की कोई जरूरत नहीं। आदमी जो दर्द ले करके चलता रहे तो सहारों की कोई जरूरत नहीं। चाहे उठते रहें चाहे गिरते रहें, चाहे उठते रहें चाहे गिरते रहें, रखकर दिल पर तसल्ली सदा दोस्तों, तुम रुको मत सदा आगे बढ़ते रहो। गर न साथी मिले तो अकेले चलो, इन हजारों की कोई जरूरत नहीं। फूल कांटों में पलकर अगर जो खिले तो बहारों की कोई जरूरत नहीं। आदमी जो दर्द ले करके चलता रहे तो सहारों की कोई जरूरत नहीं। अपने हाथों से घर रोशनी कर चलो, अपने हाथों से घर रोशनी कर चलो तो चांद तारों की कोई जरूरत नहीं। आदमी जो दर्द ले करके चलता रहे तो सहारों की कोई जरूरत नहीं। फूल कांटों में पलकर अगर जो खिले तो बहारों की कोई जरूरत नहीं। आदमी जो दर्द ले करके चलता रहे तो सहारों की कोई जरूरत नहीं। ऐसी है जिंदगी हमारी, क्या ही कर सकते हैं। दर्द लेके चलते चलते दर्द के वीरानों से होकर गुजरे हैं हम। शायद जिंदगी एक अच्छी सी सांस लेगी इसी उम्मीद में चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। अच्छा भी है, उम्मीद में जियो, मस्त होके जियो, जो भी है, जितना भी है, जैसे भी है, जिस हालत में है, जो कुछ मिला है, जैसा भी है, खुश रहो, मस्त रहो। इसी के साथ मिलती हूँ कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा पढ़ लिख लूँ, बहुत ज़रूरी है। शहरों की जो लाइफ है वो बहुत स्पीड भरी होती है, यही जब हम गांव में जाते हैं तो वहां पे जैसे सब कुछ थम सा जाता है। और यहाँ आने पे सुबह से लेके शाम तक सारा शेड्यूल सेट है, बस आप अपने आप को स्पीड देते रहिए और चलते रहिए, भागते रहिए, दौड़ते रहिए, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात होगी, सुबह होगा, फिर वही रूटीन, और ऐसे चलते चलते न जाने कितने वर्ष बीत जाते हैं शहरों में, पता नहीं चलता है। सुबह न सूरज देखने को नसीब होता है, शाम को न चांद। ये है शहरों की लाइफ, मतलब उनके लिए होगा जिनके लिए बहुत सारी चीजें संभव है, बाकी जो दो जून की रोटी कमाने की शिद्दत में है उनके लिए तो शायद ये सब संभव नहीं है। अच्छा है, जो भी है, जैसे भी है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, जो कि मैं बहुत कोशिश करके शूट कर रही हूँ, पर डे की ब्लॉगिंग संभव नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करने का ठाना है कि मैं पर डे का ब्लॉग करूँगी, चाहे जैसे भी हो। तो अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके जाइएगा। यदि आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट करके जाइएगा।
अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और अभी तक देख रहे हैं तो कुछ मत करिए, अभी तक देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।